क्वेश्चन नंबर थ्री, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें ये वेरीफाई करना है जो एक्स की वैल्यूज गिवन है क्या वो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1। ये पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू दी है -1/3। तो हम ये वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप करके देखते हैं, अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो हो जाती है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं पी ऑफ -1/3 इक्वल टू 3 -1/3 -1/3 +1। यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाता है, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। यस, दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ पार्ट टू, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x - π एंड एक्स इज इक्वल टू 4/5। सो हम यहाँ पे पी ऑफ 4/5 फाइंड करके देखते हैं, 5 × 4/5 - π, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ 4 - π। सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी विल से नो, इट इज़ नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पार्ट थ्री, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²-1। यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज़ हैं, 1 और -1। हम पहले पी ऑफ 1 निकाल के देखते हैं, 1² - 1, सो दिस गिव्स अस 1² 1 - 1, ये कैंसिल हो जाता है, दिस इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही हम पी ऑफ -1 निकाल के देखते हैं, -1² - 1, -1² 1 होता है, 1 - 1 इज अगेन जीरो। सो ये दोनों वैल्यूज में जीरो आ जाता है, सो यस दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पार्ट फोर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1 x-2। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू -1 और 2 दी हुई है, तो हम पहले पी ऑफ -1 फाइंड करके देखते हैं, -1 + 1 - 1 - 2। सो यहाँ पे ये -1 + 1 जीरो हो जाता है, 0 × -3 दिस विल बी जीरो। पी ऑफ 2 लगा के देखते हैं, दैट इज़ एक्स की जगह 2 रख के देखते हैं, तो 2 + 1 एंड 2 - 2, सो 2 - 2 इज़ जीरो। सो हेयर इट इज़ 3 × 0, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू जीरो। सो दोनों वैल्यूज हमारी जीरो आ गई, सो वी कैन से दैट यस दीज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर फाइव, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²-1, एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो हम एक्स की जगह पे जीरो रख के देखते हैं, सो इट इज़ 0² - 1, दैट इज़ 0 - 1, सो दिस इज इक्वल्स टू -1। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, सो वी विल से दैट नो, दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देन पार्ट सिक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू Lx+m। यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया है -m/L, तो हम एक्स की जगह पे -m/L रख के देखते हैं, L × -m/L+m, सो वी विल सी L कैंसिल हो जाता है, इट इज़ -m+m, सो इट इज़ ऑल्सो गॉट कैंसल्ड, इक्वल टू जीरो आ गया, सो वी विल से येस ये जो वैल्यू गिवन है इट इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x²-1। यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया है -1/√3 एंड 1/√3, तो हमें दोनों वैल्यूज चेक करनी है। सबसे पहले हम -1/√3 चेक करते हैं, सो इट इज़ 3 - 1/√3² - 1, सो इट इज़ 3 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 - 1, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 1 - 1, सो 1 - 1 इज़ 0। तो एक वैल्यू पे तो 0 आ गया, अब हम दूसरी वैल्यू पे चेक करते हैं, पी ऑफ 1/√3, सो दैट इज़ इक्वल टू 3 1/√3² - 1,
वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, माइनस वन, थ्री थ्री कैंसल, वन माइनस वन, सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दोनों वैल्यूज़ में ज़ीरो आ गया, सो वी कैन से दैट येस दीज वैल्यूज आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ अनदर क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, एक्स का वैल्यू दिया है माइनस वन बाई टू। तो अब हम यहाँ पे पी ऑफ माइनस वन बाई टू देखते हैं, दैट इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन बाई टू प्लस वन। सो टू एंड टू कैंसिल हो जाता है, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन भी कैंसिल हो जाता है, इक्वल्स टू ज़ीरो। सो वी कैन से दैट येस एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू जो है, इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।